बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। और इस टॉपिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल को दुनिया जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं उन सबको एक बाउंड्री कुदरत ने प्रोवाइड की है। ठीक, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, ऑर्गेनील हो या एक सेल हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो होती है सेल वॉल। एक्सेप्ट फॉर एन एनिमल सेल, दुनिया की जितने सेल्स होते हैं उन सब की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, इनमें चाहे आप बैक्टीरियल सेल वॉल की बात कर लें या फंगल सेल वॉल की बात कर लें या प्लांट सेल वॉल की बात कर लें। ठीक है, जब हम चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इन सब में कॉम्पोजिशन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तमाम ये तीन किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई। इन सब की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल से बनी है। ठीक है, सेल वॉल कहलाती है। लेकिन इन सब सेल वॉल में क्या डिफरेंस आता है? इन सब सेल वॉल में डिफरेंस आता है कॉम्पोजिशन का, कि कौन किस चीज से बनी है। राइट, जैसे कि आप बात कीजिए अगर प्लांट्स की तो वो सेलुलोज से बनी है। राइट, जब फंजाई सेल की बात करें तो दैट इज मेड ऑफ फंगल सेल वॉल। ठीक है, जबकि जब आप बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की तो दैट इज मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जबकि एनिमल सेल जो किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक रखने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे वोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सेल वॉल सराउंडिंग देयर सेल। ठीक है, दे आउटर मोस्ट बाउंड्री इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन एंड दैट इज इट। ठीक है, ये सेल वॉल बनती कैसे है? इट इज मेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, सेल वॉल कहाँ से बन रही है, सिक्रीट कैसे हो रही है? प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल से। अगर हम प्लांट सेल में फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल की बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म वाला एरिया ही। ठीक, इससे तमाम सिक्रीशंस बाहर की जानेब आ रही हैं। ये सिक्रीटेड मटीरियल है जो कि बाद में क्या किस चीज़ में तब्दील हो जा रहा है? सेल वॉल में। क्या एक सिक्रीटेड मटीरियल लिविंग हो सकता है? नहीं, ये लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है। और मैं पहले भी आपको मेरे ख्याल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि किसी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग करार देने के लिए उसके अंदर दो सलाहियतें देखना होती हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ इसके अंदर सेल वॉल के अंदर नहीं होगी, यानी कि अगर किसी किस्म का कट, किसी किस्म की आप वॉन्ड लगा देते हैं प्लांट सेल को तो वो इसको दोबारा रीग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशन बाहर लेकर आएंगी और जो इनर मोस्ट बाउंड्री होगी वो कहलाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, यानी कि हम अभी फिलहाल प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आपकी ये जो डायग्राम है ये मैंने किताब से आपके लिए है और आप ये डायग्राम, ये नोट लिखते हुए जब आपसे सवाल नोट के हवाले से किया जाए तो डेफिनेटली बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट बाउंड्री आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेकेंडरी सेल वॉल। राइट, देन देयर कम्स प्राइमरी सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड फर्स्ट बिकॉज द सेकेंडरी सेल वॉल सून गोज आउटवर्ड्स एंड इज फॉर्म्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और फिर एक सीमेंटिंग लेयर दो प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान होती है जो कि कहलाती है मिडिल लैमेला। इन तीन लेयर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये तीन लेयर्स कलेक्टिवली क्या हैं, ये हमारे पास कहलाती हैं, कलेक्टिवली सेल वॉल कहलाती है। ये जो पूरा एरिया है ये एरिया, दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज, सॉरी here we go, this area is collectively called as cell wall। ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये सब मिल के क्या बना रहे हैं? सेल वॉल। ठीक है, अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कॉम्पोजिशन तीन डिफरेंट चीज़ों से हुई है। जो प्राइमरी सेल वॉल है,
ठीक है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है बेसिकली वो बनी हुई है किससे, सेलुलोज से. ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड विद सेलुलोज एंड अदर कंपाउंड्स. ठीक है, और मिडिल लैमेला जो है वो फॉर्म होती है किससे, वो फॉर्म होती है मिडिल लैमेला फॉर्म होती है पैक्टिन कंपाउंड से. ठीक है, फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, जब कभी किसी आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे तो क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, शेप. ये बात आप हमेशा हर चीज के बारे में याद रखें जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री हो. ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड प्रोवाइड करती है. क्यों, क्योंकि ये परमिएबल इन नेचर है, इसलिए हर चीज को आउटसाइड आने देगी या इनसाइड जाने देगी. ठीक है, इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये कुछ चीजों को रोक सके, इसलिए ये कहलाती है सेल वॉल इज कॉल्ड एज परमिएबल, टोटली परमिएबल बाउंड्री. ठीक है, अब हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि तीन टर्म्स होती हैं, एक होती है परमिएबल, एक होती है इम्परमिएबल और एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल वॉल इज अ टोटली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, और फिर हम आते हैं दूसरी सेल लेयर की तरफ जो कि कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होगी. ठीक है, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सबके पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सबके पास होती है. ठीक है, जितने ऑर्गेनिज्म एक यूकैरियोटिक सेल में होंगे वो सबके सब बने होंगे बाहर से, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑर्गेनिल की भी किससे होगी, सेल मेम्ब्रेन से फॉर्म होगी. सेल मेम्ब्रेन के दूसरे नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक, और तीसरा नाम इसका है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके जिससे वाजे हो रहा है कि कुछ चीजों को परमिट करती है अपने अंदर से गुजरने को. ठीक है, ये बात हमने कर ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक. ठीक है, न्यूक्लियस हो या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स हो, जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं यूकैरियोटिक सेल में वो सब के सब सेल मेम्ब्रेन से बने होंगे. सेल मेम्ब्रेन की खसूसी बात ये होती है कि इट इज इट कैन रिपेयर इट सेल्फ टू सम एक्सटेंट, हेंस इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन. इसकी कॉम्पोजिशन कैसे होती है, देखो कॉम्पोजिशन इसकी बड़ी यूनिक सी है और अल्लाह ताला ने इसको सेमी परमिएबल बनाया है, तो ये इसके लिए अल्लाह ताला ने इसको मुख्तलिफ हिस्से प्रोवाइड किए हैं. एक है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, जिसमें एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है अंदर की तरफ, यानी कि वो लेयर जो कि पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देना चाहती. एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो अपने अंदर से पानी को गुजरने देता है. ठीक है, और फिर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन. ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, मैं आपको एक्सट्रिंसिक और चैनल प्रोटीन्स अभी दिखाती हूँ. ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं वो आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगी, या एक दूसरा हमारा लेक्चर है हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे. ठीक है, तीन किस्म की प्रोटीन होती हैं, आपकी किताब की किताब में उसकी डायग्राम मौजूद है. इंट्रिंसिक प्रोटीन ये है तीन, बाकी एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो सिर्फ बाहर की तरफ होती है. ठीक है, और कुछ होती हैं चैनल प्रोटीन्स. ठीक है, जो सिर्फ बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की तरह बाहर की ही तरफ होती हैं. जब कभी आपको नोट बनाने लिखने दिया जाए तो ये डायग्राम आप साथ लाजमी बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि एक बेसिक डायग्राम है, एक दूसरी डायग्राम भी है लेकिन वो कुछ तवील सी, अगर आपके पास इतना वक्त हो और आपके मार्क्स उसमें ज्यादा हो आपके क्वेश्चन में तो आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक ये डायग्राम तो लाजमी बनानी है. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया है कुछ अच्छा, एक और स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर के साथ. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको समझाया है इसका, वो समझाया है सिंगर और निकल्सन ने. ठीक है, तो ये सिंगर और निकल्सन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है इट इज अ सी. ठीक है, जिसके अंदर आइसबर्ग की तरह मोज़ेक फॉर्म करती हैं ये प्रोटीन्स. ठीक है, फंक्शन क्या होंगे, सिंस इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल यानी पार्शियली परमिएबल यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये रेगुलेट करती है सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने देगी और कुछ को बिल्कुल नहीं पास होने देगी. ठीक है, यही वजह है कि हर चीज आपके सेल के अंदर अल्लाह का शुक्र है एंटर नहीं हो सकती, और जो एंटर हो जाए तो उसके एंटर होने में सेल मेम्ब्रेन का रोल होगा. ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी कि जो है सारे एंडोसाइटोसिस सारी यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.